मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा में आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल रहमान घड़ियाली की शिकायत पर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने सबसे ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट देने वाले मुंबरा के चार डॉक्टर, जिनके नाम है डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन, इन्होंने 321 डेथ सर्टिफिकेट और डॉक्टर मोहम्मद शाकिर मनियार 325, डॉक्टर अब्दुल मोईन सिद्दीकी 80 और डॉक्टर विनय खैरनार 65 डेथ सर्टिफिकेट 5 सालों में दिए हैं। महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने इन चारों डॉक्टरों के व्यवसाय पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल रहमान घड़ियाली ने इनकी जांच सीआईडी या फिर क्राइम ब्रांच से करने की मांग की है। डेथ सर्टिफिकेट के मुद्दे पर हमने आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल रहमान घड़ियाली और इन डॉक्टरों से भी बातचीत की है। ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुंबरा में डेथ सर्टिफिकेट को लेकर लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर किसी के घर में भी नेचुरल डेथ हो जाती है तो मुंबरा में कोई भी डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। अगर मुंबरा में आम जनता की बात करें तो डॉक्टर जो डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो कुछ लोगों का इस पर कहना है कि आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल रहमान घड़ियाली इसके जिम्मेदार हैं। मगर वहीं अब्दुल रहमान घड़ियाली का कहना है कि किसी भी डॉक्टर को डरने की जरूरत नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट देने के नाम पर जो लोग धंधा बना लिए हैं, मेरी लड़ाई उनसे है। जो लोग 4 से 5 हजार रुपए लेकर डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी इतने बड़े पैमाने पर। मगर इससे एक बात साफ है कि आरटीआई कार्यकर्ता और डॉक्टरों की इस लड़ाई में आम जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट मुंबरा शहर में देने को राजी नहीं है, जो शहर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। वहीं ये चारों डॉक्टरों का कहना है कि आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल रहमान घड़ियाली उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। वहीं अब्दुल रहमान घड़ियाली ने ब्लैकमेलिंग से इनकार किया है। ये चार डॉक्टर्स जो आज इनडेफिनेटली सस्पेंड हुए, जो अनिश्चितकाल निलंबित हुए, जिनको मुअत्तल किया गया बेमुद्दत, और जिनके ऊपर सीआईडी या अन्य किसी एजेंसी से इंक्वायरी की मांग एमसीआई महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने की है शासन से, ये डॉक्टर्स की निलंबन होने की वजह है बल्क में डेथ सर्टिफिकेट्स देना। ये डॉक्टर्स ने, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 1457 मौतें एक साल के वक्फे में 2017-18 में इन लोगों ने 791 दिए थे। उसके पहले भी सैयद अनवर ने 2000 से 2205 सालों में पिछले दिए, जो रिकॉर्ड आपको मैं दे चुका हूँ। इसके बावजूद महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने इनको अनेक मौके दिए कि आप खुलासे पेश कीजिए, दस्तावेज पेश कीजिए, जो ये चारों डॉक्टर्स नहीं कर पाए। दूसरी बात, सारा मुमरा कौसा जानता है कि डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बिना कोई हैवी रकम चुकाए नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता। मेरा मुतालबा ये था कि चार डॉक्टर्स क्यों देते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टैटिक्स में मेरे पास में 85 डॉक्टर का डेटा आया था। 81 डॉक्टर और 5 बड़ी अस्पताल ने मिलकर के 666 दिए, ये चार डॉक्टर्स ने 791 और 315 डॉक्टर सोए हुए हैं। वो 315 डॉक्टर क्यों नहीं देते? जो मुंबरा कौसा मेडिकल प्रैक्टिस एसोसिएशन के हैं अध्यक्ष डॉक्टर राउत, उनसे हमने बात की थी, तो उनका कहना है कि जो ये डॉक्टर के इतनी ज़्यादा डॉक्टर ने जो डेथ सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा दिया है, तो इनका कहना है कि मतलब ये लोग जो परेशान लोग आते थे उन लोगों को दे दिया करते थे, तो इस वजह से इन लोगों के पास जो है डीसी ज़्यादा हो गई है और इन लोगों ने कुछ ऐसा मतलब व्यापार नहीं किया है। डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत जो बोल रहे हैं, डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत से आप पूछिए मेरी तरफ से, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अवाम में आकर के जिस तरह से अवार्ड के बाद में उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो रिलीज़ की थी, उस तरह से वीडियो रिलीज़ करके या मुझसे मुनाजरा करके बात कर ले और ये बात करें, क्योंकि 7 मार्च को मैंने तुमको लेटर दिया, 8 दिन ने तुम्हें कार्रवाई नहीं की, मुझे जवाब नहीं दिए, तब मजबूरन मिकदाद उकाया साहब से मिलने के बाद 15 तारीख को मैंने कंप्लेंट की, और उस कंप्लेंट के बाद जो आपका दावा है कि चार डॉक्टर्स के पास में इंसानियत के नाते गरीब गुरबा लोग जाते तो देते हैं ये, तो मैंने यही बात डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत ने 2 महीने बाद मुझे बुलाया था, जब इनको नोटिस इशू हुई थी तो एसोसिएशन की ऑफिस में डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत ने पूछा था
कि चार लोग मतलब नहीं, मैंने पूछा था कि चार लोग ही क्यों देते हैं, बाकी 400 डॉक्टर्स क्यों नहीं हैं। तो मोइनुद्दीन राउत जी का जवाब था कि चार लोग, हम 400 लोगों का बोझ उठाते हैं। तो मैंने कहा आप 400 लोग, इन चार लोगों का बोझ उठा लीजिए, पब्लिक को तो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। तो उसके ऊपर उनकी टालम टोल थी, उनके पास कोई पुख्ता जवाब नहीं था। मैं डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के हेड होने के बाद आप बोल रहे हैं कि इनके पास पब्लिक ज़्यादा जाती है, तो कॉमन सेंस इसको गवारा करता है क्या कि ये कोई कौसा में बैठा हुआ, कोई मुमरा में बैठा हुआ, कहाँ ये जो पब्लिक इनके पास जाती है, तो जो पब्लिक जहाँ रहती है वहाँ अपने डॉक्टर के पास इलाज कराएगी, वहाँ जाएगी या इनके पास जाएगी? इसका मतलब साफ हो जाता है कि एक नेक्सस जो है वो आपके जेरे परस्ती चल रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए फला जगह ही जाना होगा, क्योंकि आप इसको मतलब यानी कि बोल रहे हो कि ये इनके पास में गरीब गुरबा जाते थे इसलिए ज़्यादा हो गई, इसलिए ज़्यादा हो गई। 5 सालों का डेटा तो मैं दिया हूँ, 20 साल का डेटा तो वहाँ पर उपलब्ध है। अनकरीब अनवर सैयद तो इसमें महारत रखते हैं। लेकिन आपके ऊपर भी इसमें आरोप लग रहे हैं कि आप जो है लगातार डॉक्टरों को जो है यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई नया डॉक्टर जो है मुंबरा जैसे शहर में आ नहीं रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ऐसे तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं आप जो है डॉक्टरों में एक डर पैदा कर रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं मुझ पर वो स्वाभाविक है, लेकिन सब के सब गलत हैं। कारण क्या है कि कोई नया डॉक्टर आ नहीं रहा है, कोई नया डॉक्टर दे नहीं रहा है। मेरा तकाजा ये है कि इसके पहले ये 315 का तो जवाब दे दो ये मोइनुद्दीन राउत कि 315 क्यों नहीं देते थे। जब वो ही नहीं देते थे तो नया डॉक्टर का देने का सवाल नहीं। और रही बात डॉक्टरों की, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई MCIM से, जब इनकी सत्य शोधन समिति से जाँच शुरू हुई, उस वक्त थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वहाँ के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता जी का फ़ोन जा करके वहाँ पर उनकी DC बुक बंद कराई गई चारों की। तब दूसरे लोगों ने ये बाहर उठा लिया। तब शफीक अहमद खान हमारी गली में जो है, और अब्दुल खालिक खान, अब्दुल जलील खान, मज़र अहमद, MA आज़मी, ऐसे लोगों ने, गुलाब चंद गुप्ता, सूर्यनाथ यादव, ऐसे लोगों ने देना, मतलब सब बट गया। अब इन्होंने कोई 20 दे रहा, कोई 10 दे रहा, कोई 30 दे रहा, कोई 70 दे रहा, कोई 80 दे रहा। उसमें सबसे ज़्यादा सरदारी जो ले लिया अनवर की सरदारी, वो लिया डॉक्टर अब्दुल खालिक खान ने। उसने 7 महीने के वक्फे में 214 सर्टिफिकेट दिए। तो मोइनुद्दीन राउत ये बताएंगे क्या कि ऐसा क्यों कि 315 डॉक्टरों ने इससे पहले मतलब कभी सर्टिफिकेट ही नहीं दिए अपने पेशेंट्स को? आज जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर देने से डर रहे हैं, मैं आपके थ्रू ये मैसेज सारे डॉक्टर्स को देना चाह रहा हूँ। मैं इन चारों का भी दुश्मन नहीं था, ना मुझे इन चारों से कोई, इनके निलंबन से कोई खुशी है, ना मेरे को इससे कोई मतलब चीज़ हासिल है। मकसद मेरा ये था कि डेथ सर्टिफिकेट की जो कीमतें चुकानी पड़ रही थी उसके लिए मोइनुद्दीन राउत से भी मैंने टेलीफोनिक बात हुई थी मिकदाद उकाय जी के यहाँ, उन्हीं के फ़ोन से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसमें कोई आप रास्ता ढूंढिए। तो बोले हम कैसे रास्ता ढूंढ सकते हैं, मतलब आप एसोसिएशन के हेड है, आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। आप इसमें NGOs को इन्वॉल्व कीजिए, NGOs से बोलिए कि पब्लिक की जो तकलीफें हैं उसको उठा के लेटरबाजी करें, डिपार्टमेंट से लेटर करें, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिखे, मिनिस्ट्री को लेटर लिखे, हमारे MLA को लेटर लिखे, नगर सेवकों को लेटर दीजिए, उनसे बोलिए कि महासभा में ये मुद्दा उठाए। अगर महासभा वहाँ से नहीं सुनती है उनकी और नकार देती है, तब जाकर के MLA को बोलिए कि विधानसभा। जो डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों का कहना है कि जैसे कोई UP से आता है या कहीं बाहर से आता है, उनकी डेथ यहाँ हो जाती है या और हॉस्पिटल में हो जाती है, कैंसर वालों की हो जाती है, तो जिसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जो है नहीं मिल पाती है, तो ऐसे तौर पे जो है शायद इन डॉक्टरों ने जो है डेथ सर्टिफिकेट मुहैया कराई थी उन लोगों को, इस वजह से ज़्यादा हुई। और अब जो शहर का माहौल है कि अब लोगों को DC मिल नहीं रही है, और DC नहीं मिल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम सबसे पहले आता है कि जो है बाबा घड़ियाली की वजह से जो है कोई डॉक्टर DC देने को राजी नहीं है, बाबा घड़ियाली डॉक्टरों को ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे तमाम आरोप हैं जो आपके ऊपर लग रहे हैं। इस्लामुद्दीन साहब, कोई बाहर से आता है, कोई बाहर इलाज कराता है, किसी का यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कोई घर में बुढ़ापे के कारण मर जाता है, आप मुझे बताइए, आप सीनियर पत्रकार हैं, मैं एक आम इंसान हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ, आप मुझे बताइए कि इसके लिए नीति रचना, प्रशासन के पास में पत्र व्यवहार करना, प्रशासन से अपनी मांगें बनवाना, आवाम की दुश्वारियों को दूर करना जनप्रतिनिधियों का काम है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के सदारत करने वाले सदर का काम है,
उस कमेटी का काम है, जो दानिशमंद लोग हैं उनका काम है, या फिर मुझ जैसे आदमी का काम है, मैं अकेला कर सकता हूँ। दूसरी बात, मैंने जो कंप्लेंट की, मेरी कंप्लेंट के पहले क्यों नहीं किसी ने गौर किया इस बात के ऊपर, क्यों नहीं गौर किया कि लोगों को खामियाजा चुकाना पड़ता है। मोइनुद्दीन राउत जिस दावे के साथ बोल रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को ये मिलते, तो बाहर से आए हुए लोगों को आप फुकट देते, बाहर इलाज कराए हुए लोगों को आपके लोग फुकट देते, ये आप जनरली मतलब पब्लिक का आप व्यू ले लीजिए इसमें, कि किसी को डीसी फुकट मिली है क्या, फ्री में मिली है क्या, 100 में 1 आदमी के इसको कोई आपने रिफ़र किया, कोई किसी ने रिफ़र किया नेता ने, वो मिल गई हुई तो बात अलग है, 99 को तो इसकी कीमत चुकाना पड़ती है और वो भी भारी कामयाजा चुकाना पड़ता है। तो मेरा मुतालबा ये है कि ये चीज़ें क्यों, इसका जवाब मोइनुद्दीन राउत देवे, इसका जवाब मोइनुद्दीन राउत के साथी वो अलीमुद्दीन काजी जिन्होंने ऑडियो रिलीज़ किया था वो देवे, जो जितेंद्र रावाड़ की सपोर्ट में, आज जितेंद्र रावाड़े के एक्स मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद 24 जुलाई 2017 को 2019 को जो उन्होंने ऑडियो क्लिप रिलीज़ किया था, उसमें उन्होंने क्या किया कि बाबा घड़ियाली आज जो डेथ सर्टिफिकेट्स की दिक्कत हो रही है मुमरा वालों को, मैं MLA ना होने के नाते बोलता हूँ, बाबा घड़ियाली जो है वो ब्लैकमेलर है, वो शैतान है, वो राक्षस है, वो मेरे डॉक्टर्स से पैसे लेता है। अरे आप मुझे बताइए कि पैसा लेने वाला आदमी 2 साल तक लड़ता है और उसके बाद में निलंबित करवाता है, और रही बात बाकी के जो डॉक्टर्स को डर है मेरी तरफ से, उसका मैं आपके माध्यम से ये खुलासा कर सकता हूँ कि मैंने सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स की कंप्लेंट की है जिन डॉक्टरों ने महारत हासिल की है इसमें, मैंने उन डॉक्टर्स को मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये 400 में से 10 डॉक्टर्स की हार्डली मैंने कंप्लेंट की है, बाकी 390 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना इससे है कि मेरा मुतालबा है कि किसी भी तरह से यहाँ के जो भी हमारे बुद्धिजीवी है, जिस तरह से आपका सवाल है मुझसे, वो बुद्धिजीवी हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो NGOs है, हमारे जो नगर सेवक है, हमारे जो MLA है, हमारे जो समाज सेवक है, ये सब मिलकर के इसके ऊपर काम क्यों नहीं। जब हमारे जनप्रतिनिधि हमसे वोट लेने आते हैं तो हमारे मरने के बाद में मुर्दों का गोश्त खाने के लिए ऐसे डॉक्टर क्यों छोड़ देते हैं भाई। घड़ियाली से सवाल करना बहुत आसान है कि घड़ियाली तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से बिल्कुल नहीं है, सरासर इनकार है मेरा इससे। और ये भी है कि मेरी वजह से किसी डॉक्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छे लोग हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, वो करते नहीं है, वो करें नहीं करें उनकी मर्जी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने शिकायत पर एक कमेटी की गठन की थी जो इन चारों डॉक्टरों की जांच पड़ताल की है और इन चारों डॉक्टरों से ज़्यादा डेथ सर्टिफिकेट देने के बारे में जवाब मांगा गया जो ये चारों डॉक्टरों ने नहीं दे पाए, जिसके बाद काउंसिल ने इनकी डॉक्टरी पेशे पर रोक लगा दी। हमने बात की है डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन और शाकिर मनियार अब्दुल मोहित सिद्दीकी से, मगर वहीं विवेक मनियार ये किसी काम से बाहर गए हुए थे जिसकी वजह से इनसे बात नहीं हो पाई है। डॉक्टरों का कहना है कि RTI कार्यकर्ता अब्दुल रहमान घड़ियाली हम चार डॉक्टरों को बेवजह फंसा रहा है और इसमें कुछ हमारे ही लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर सैयद साहब, जो बाबा घड़ियाली है, उन लोगों ने जिस तरह से DC को लेकर आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाई और आप लोगों को निलंबित भी किया गया, CID की मांग की गई, क्राइम ब्रांच जो इसकी जांच करेगी, तो आप लोगों ने क्यों इतनी पैमाने पर जो है बड़ी DC दी, कि आप ऐसा क्या हुआ था कि लोग सिर्फ आप ही लोगों के पास आते हैं? आपसे ये कहूँगा कि सारे लोग हमारे पास भेजते क्यों थे, और जिन लोगों ने उनको इतना फीडबैक दिया है, हज़रत अब्दुल रहीम घड़ियाली साहब को, वो लोग ने क्यों नहीं दिया? प्रैक्टिस तो वो लोग भी कर रहे हैं, हमसे सीनियर भी हैं। अब रह गई बात ये कि हमने क्यों दिया, तो इसमें अगर कोई आके रो रहा है, तड़प रहा है कि भाई मेरे वालिद की घर में बॉडी पड़ी है इंतकालों के, अगर वो कहेगा कि मेरा JJ से इलाज चल रहा था, नायर से चल रहा था, तो क्या हम ये कहेंगे नायर से लो, JJ से? क्या नायर में, JJ में, या जहाँ से भी उनका इलाज चल रहा है, हो सकता है एक बॉम्बे की किसी GP से चल रहा है, तो वहाँ हम भेजेंगे तो दे देंगे वो डॉक्टर? आपको लगता है ऐसा? ये एरिया पूरा टोटल माइग्रेंट्स का है, माइग्रेंट्स, और 93 के बाद इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, ये आप भी जानते होंगे। और एक बात है कि जो भी जहाँ से आया है, जहाँ से भी आया है, उसके उस जगह के डॉक्टर की जो भी मतलब इमेज है वो ख़त्म नहीं होती है, तो ऐसे में क्या हम पनिश करें उनको कि हमसे क्यों नहीं दवा लेते? अगर मौत हो गई किसी की, बगैर मौत के तो दी नहीं, मौत हुई है तो दी है और रिपोर्ट्स भी है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे UP के कितने लोग आते हैं,
अभी आपके घर में कोई मेहमान आ गया, पुराना बूढ़ा आदमी है ना, आपकी सासू जी आ गई, वाला कोई भी आ गया, एक्स वाई जेड, अगर वो मौत हो जाएगी तो क्या पीएम कराओगे आप? तो इस तरह से हमने अगर साउट आउट किए हैं तो मैं तो 96 से आया हूँ, 96 से मैं कर रहा था, और ये लोग ही करवा रहे थे जिन्होंने उनको खड़ा करवाया है, ये सारे ही लोग थे ना जो भी हमारी एसोसिएशन के। दो बार बोल चुके जिन लोगों ने उन्हें खड़ा कराया, यानी आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि बाबा घड़ियाली को वो किसी ने खड़ा किया है आप लोगों के खिलाफ, किसने खड़ा किया? क्योंकि वो मैं नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है। हम कोई राजनीति तौर पे राजनेता है या कोई डॉक्टर? हमारा प्रोफेशनल है, वो मेडिकल प्रोफेशन का है। जिस तरह से उन लोगों ने गलीज हरकत की मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं नाम बताऊँगा किसी का भी, वो अल्लाह वक्त आने पर सब देख लेगा, और जिसने किया है वो खुद भी जानता है कि वो क्या कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं 96 से कर रहा था, 2017 में इलेक्शन हुआ, 2017 तक इस तरह की कोई कठिनाई नहीं आई, ना मेरा कोई पुलिस में रिकॉर्ड है, उल्टा पुलिस मेरे को सैल्यूट करती है, अप्रिशिएट करती है, समझ गए? मैंने कितने सारे टिप्स दिए हैं, इस तरह से मैंने मदद की है कानून की। यानी आप इशारा कर रहे हैं कि जो डॉक्टर का इलेक्शन होता है उस इलेक्शन के दौरान आप लोगों में दो गुट है जिसमें मतभेद, अच्छा तीन गुट है, अच्छा एक बात और, यानी उसमें मतभेद है, तो किसी ग्रुप ने आप लोगों को खिलाफ खड़ा के ये हैं, एक ग्रुप के ये हैं, तीन ग्रुप के हैं, तो मेरे को तो तीनों जगह से काम आता है। आपके पेशेंट्स भी अगर जाते हैं, आपके रिलेशन में जाते हैं तो भी मैं देता हूँ उनके भी, तो मेरी तो किसी से कोई वो नहीं थी। लेकिन ये जीतने के बाद ये समझा गया कि इस फर्द की वजह से, सुन रहे, ये हुआ सब कुछ जो भी हुआ। जिस तरह से जो आरटीआई से उन्होंने जानकारी निकाली है उसमें डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन, ये जो है 2017 में 8 डीसी दिए थे आपने, 2016 में 233, 2015 में 522, 2014 में 487 और 2013 में 505, यानी जो है हर साल में इतने इतने डीसी देना, आखिर क्या इसका मतलब है? इस पर डॉक्टर जो घड़ियाली हैं, जो आरटीआई कार्यकर्ता घड़ियाली हैं, उनका कहना है कि ये लोग बाकायदा जो है एक डीसी का रॉकेट चलाते थे, लोगों को पैसा लेकर जो है बड़े पैमाने पे पैसा लेकर जो है ये लोग देते थे। आप डॉक्टरों को ये कहते थे आप मत दो हम देंगे, हम पैसा कमाएंगे, ऐसा है कि हम सब डॉक्टरों को मना करते थे आप लोग मत रखो। कितने पैसे लेते थे आप लोग? पैसे हमको बुक मिलती है फ्री में, अगर विजिट पे जाएंगे पैसे नहीं लेंगे, हम पेपर जमा करने जाएंगे पैसे नहीं लेंगे, हम अपने जेब से करेंगे। कोई अगर ये कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहता कोई भी बंदा, तो वो ये करता कि अपने जेब से बुकलेट लाता, और जिस क्षेत्र में भी रहता है, जिस एरिए में रहता है, उस एरिए के 5 डॉक्टर को भी कोई अगर डोनेट कर दे कि भाई ये हमने बुक लाई है, आप लेटर पेड दो, हम ला के देते अपने पैसे से, और आपकी ये बुकलेट जब भी ख़त्म होगी हम ला के देंगे, पेपर जमा करने जाएंगे, तो ऐसा तो कोई मर्द हमको दिखा नहीं आज तक कि बोला डॉक्टर साहब मत लो, हम आपकी खिदमत करते हैं, हम आपको पैसे देते हैं, ऐसा तो कोई नहीं दिखा। कौन नगर सेवक है जिसको हमने नहीं दिया? कौन नगर सेवक है? कौन एरिया का ऐसा सोशल वर्कर है जिसकी हमने मदद नहीं की, हमने नहीं दिया उनके क्षेत्र में? तो उस वक्त तो ये मुद्दा नहीं उठा, ये मुद्दा इलेक्शन के बाद ही क्यों उठा? आप समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वक्त तो ऐसे भी हो सकता था कि भाई यही दे रहा है बेचारा, कल को कुछ होएगा तो इसका क्या, गरीब का, ऐसा भी तो सोचा। चार डॉक्टर जो है इसमें है, चारों डॉक्टरों के ऊपर इन्होंने जो आरोप लगाए, उनका जो घड़ियाली है आरटीआई कार्यकर्ता, उनका कहना है कि जो मैंने सिर्फ 4 डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा डीसी जो है लोगों को दिए हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की मांग की, जबकि और भी 300 से 350 डॉक्टर हैं उनके ऊपर मैंने क्यों नहीं किया? तो वजह तो यही है ना सर कि हर कोई रखता नहीं। अब ऐसा हो गया कि कोई डॉक्टर है ग्लूकोज अच्छा चढ़ाता है तो लोग भले से ट्रीटमेंट कहीं से भी कराए ग्लूकोज चढ़ाने वहाँ जाते, तो ऐसे हमने जो भी लोगों के ऊपर डाला है इन्होंने और भी दूसरे लोगों डॉक्टर्स पर डाला है, और कुछ के ज़्यादा होने के बावजूद भी नहीं डाला है। अब वो उसका क्या रीज़न है वो आप भी मालूम करिए जी, वो बेहतर जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारी लिस्ट में ऐसा है कि भाई उनको भी आना चाहिए था, और मैं क्या बोलता हूँ ये चलता रहेगा सिलसिला, कल और दुकानें खुलेंगी, परसों और खुलेंगी, नर्सों और खुलेंगी, समझ रहे, लोग परेशान होंगे। जो इसमें है डीसी का डॉक्टर अब्दुल मोहित सिद्दीकी, इन्होंने आपने भी तो 2017 में 10 दिए थे, 2016 में 82 हैं, 2015 में 44, 2014 में 25 और 2013 में 8 दिए थे। सिर्फ एक ही साल का ज़्यादा है मेरा कोई इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो भी है वो भी यही मसला रहता था कि दूसरे डॉक्टर्स भेजते थे, और दूसरी बात ये अब उन लोग क्या प्रोपेगेंडा करके भेजते थे, क्या मकसद से भेजते थे, अपने दूसरे डॉक्टर्स के भी आते थे, हमारे भी पेशेंट रहते थे,
और कुछ ऐसे भी रहते थे जो ट्रीटमेंट कहीं चल रहा है कोई हॉस्पिटल से बॉम्बे से या कहीं से और रहते यहाँ पर हैं। नहीं, जो बाबा घड़ियाली है उनका कहना है कि ये लोग सिर्फ एक बहाना कर रहे हैं कि लोग यूपी से आते हैं या और कुछ हो जाता है उनको या हॉस्पिटल से डेड नहीं मिलती, तो ये लोग सिर्फ बहाना करके जो है एक बहाना बना रहे हैं लोगों के सामने कि हम उनको देते थे हमदर्द बनकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जो है बड़ा रकम लेकर और डीसी देते थे। मैं बोलता हूँ अगर ऐसा था तो आवाम ने मुद्दा उठाना चाहिए था ना, समझ रहे आप? ये एक ही शख्स आपको ये था कि जो है पैसे लेकर कितना भी पैसे दे दो आपके पास से मिल जाएगी डीसी। आज भी इतना सब कुछ हो के 2 साल हो गया, आज भी ईमान ईमान अल्लाह की कसम कैसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, आज भी अगर हमारे पास लोग आते हैं 3-3 फ़ोन 2-2 फ़ोन आते हैं, व्हाट डज इट मीन कि क्या हमने कोई प्रोपेगेंडा किया था ऐड किया था? आज भी आते हैं, आज भी मुझे सुबह से 3 फ़ोन आए। ये मामला आपसी रंजिश का होते 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 फिर इसके अंदर एक पहलू ऐसा आया कि भाई चलो देव दिलाओ छुट्टा करो, फिर ये हुआ कि नहीं हम कहें क्यों ऐसा इस तरह से। ये कह रहे हैं कि आप ही लोगों के ग्रुप से कुछ लोगों ने आरटीआई कार्यकर्ता को जो है खड़ा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो काम मैं 1996 से कर रहा हूँ और 2017 तक मेरे को हीरो बनाया जाता है इस एसोसिएशन के लोगों ने, इस मोहल्ले के, इस मुमरा कोसा के क्षेत्र के लोगों ने, उन लोगों ने बाद में क्यों नहीं कुछ किया? इसलिए कि जो आदमी को खड़ा किया गया वो इतना स्ट्रांग है कि कहीं किसी की बिल्डिंग नहीं गिर जाए, कहीं किसी की चाली नहीं टूट जाए, कहीं किसी का कुछ पुराना नहीं निकल जाए, ऐसा सब है, समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या लग रहा है कि जो घड़ियाली ने जो आरटीआई करता घड़ियाली हैं इन्होंने जो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जो कार्रवाई अभी करवा रहे हैं, तो क्या ये गलत है क्या? बिल्कुल गलत है, आपको सही लगती है सर? अगर गलत होता तो फिर आप लोगों के ऊपर कार्रवाई कैसे होती? मसला कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, हमसे कहा गया था कि लेटर जमा करो, पेपर्स जमा करो, केस पेपर्स, तो ये इतना आसान तो है नहीं। अभी समझो 325 है और उसको हम जमा करें, आप लोगों से मांगनी की गई थी लेकिन आप लोगों ने उसका कोई जवाब भी नहीं दिया ना? वो हमने MCIM में जवाब दिया है, जो ये महाराष्ट्र काउंसिल इंडियन मेडिसिन के अध्यक्ष हैं आशुतोष गुप्ता, उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बनाई थी जिसने आप लोगों की जांच की है, उसके बाद जो है आप लोगों पर ये जो है कार्रवाई किया गया है। मैंने बताया ना कि कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई है कि उनको जो वक्त पे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इसके लिए कार्रवाई की गई, और वो भी परमानेंट नहीं है, अभी हमारे पेपर्स जो भी हैं गए हैं, ख़त्म हो जाएगा मसला इंशाल्लाह ताला। जो आरटीआई कार्यकर्ता घड़ियाली हैं उन पर भी आरोप लगते हैं कि वो डॉक्टरों को ब्लैकमेल करते कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को कभी ऐसा ब्लैकमेल किया, कभी किसी चीज़ की मांगनी की है? नहीं, हम एक जगह कहीं मिले थे मीटिंग में, उनका एक जुमला है बड़ा वाज़ह है, क्या कर सकते हो बेहतर से बेहतर मेरे लिए, खुद आप सोचो चारो और मेरे को बताओ, या फिर इनको बताओ जहाँ हम बैठे थे इनको बताओ, नेक्स्ट टाइम मेरे को इतना बल्क में किसी का नहीं मिलना चाहिए। ये 2 कंडीशन उन्होंने रखी थी जिससे वो जहाँ बैठे थे जिन जगह ये बात हुई थी वो लोग खुद कह रहे थे कि समझ गए ना डॉक्टर साहब, ये यही है, इनकी स्किल्ड ही यही है, ही इज़ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, वेरी स्किलफुल पर्सन, समझ गए? आपसे भी कुछ कहा है कभी? मैं नहीं था उस मीटिंग में, मैं था। जो अभी शाकिर मनियार आ रहे वो थे, हम 2 जन थे, ये लोग को बुलाए थे, ये लोग लेट हो गए थे आने में, हम 2 जन थे, मैं, शाकिर मनियार, और जहाँ मीटिंग हुई थी वो एक क्लिनिक 3 और एक डॉक्टर जो हमारे लिए आया था कि चलो मैं लेता हूँ लेके बात करते हैं ख़त्म करते हैं इसको। तो इस तरह की जब बात आई तो हमने माफ़ी मांगी कि भाई अगर कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो भाई। डॉक्टर शाकिर मनियार जी, आप लोगों का जो ये डीसी का मामला है तो आप लोग ने इतने सारे जो डीसी लोगों को दिए हैं तो ये किस प्रकार के लोगों को आपने दिए हैं? क्या जो नेचुरल डेथ होती थी उन लोगों को दिए या और जो बाहर के लोग आते थे उन लोगों को दिए? जी सर, ऐसी बात है कि नेचुरल जो डेथ बोल रहे हैं कुदरती बीमारी, वही हमने बीमारी को यानी जो कुदरती जो मौत हुई उन लोगों को ही हमने इशू किया है ना। दरअसल मुमरा का ऐसा है, मुमरा का यानी बैकग्राउंड आप देखोगे तो सब लोग माइग्रेट होके आए हैं यहाँ पर, है ना। अब किसी का बॉम्बे में ट्रीटमेंट चालू है, किसी का हार्ट का ट्रीटमेंट चालू है, किसी का कैंसर का चालू है, या जो लोग हमारे पास यानी नॉर्मल जो बीमारी लेके आते थे तो उन लोग को तो हमने दिया है, लेकिन जो लोग का यानी टाटा में चालू था, है ना, किसी का हार्ट का या किसी का JJ में चालू था ट्रीटमेंट, है ना, या किसी का JJ वगैरह है या जो भी अदर जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उनमें जो चालू था, तो हम लोग जो है जब वो डिस्चार्ज होकर तो हम लोग नहीं देंगे अगर DC, तो फिर कौन देगा? जिस तरह से आप लोगों ने DC दिए, आपका यहाँ देखा जाए अगर तो सन 2016 में ही सिर्फ आपने 164
डीसी दिए थे और 17 में आपने 13 दिए थे, सन 2015 में 12, सन 2014 में 4 और 13 में 4 दिए थे आपने। तो लेकिन जो आपका सन 2016 का है ये 164 डीसी है। जी आप बात सही बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद ही बोलिए ना, अब जब मुंब्रा के बाहर जब बॉम्बे में सबका ट्रीटमेंट चालू था है ना, तो वो जब यहाँ पर आएगा डिस्चार्ज होने के बाद तो उसको डीसी कौन देगा? यानी हम लोग के कांटेक्ट में वो लोग रहते थे, जाहिर सी बात है कि भाई आरोप तो ये लग रहा है कि आप ही सिर्फ पूरे मुंब्रा में जो है आप ही सिर्फ 4 डॉक्टर ऐसे थे कि जो लगातार लोगों को डीसी मुहैया कराते थे। जी सर आप बराबर बोल रहे हैं, डॉक्टर नहीं थे क्या मुंब्रा? जी आपका बोलना बिल्कुल सही है कि भाई हम चारों ने ही क्यों इशू किए, ये आप बोलना चाह रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन देखिए लोग जो देने से डरते थे है ना, बहुत सारे कारण यानी लॉ के मसला था या बहुत सारे मसले थे इसमें है ना, इसमें सरकार को भी यानी एक रूल बनाना चाहिए कि भाई यहाँ पर कोई एक स्पेशलिस्ट जो है जो सिर्फ डीसी को यानी एक ऐसा डॉक्टर रखें जो सिर्फ डीसी को इशू करे। तो हम भी चाहते हैं कि ये जो मसला है जल्द से जल्द हल हो और अभी जो लोग दे रहे हैं वो भी ज़रा सोच समझ के दे, बस हमारा यही बोलना है बस। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, बहरहाल ये 4 डॉक्टर जो डीसी के मामले में अब काउंसिल ले इनकी व्यवसाय पर रोक लगा दी है, क्राइम ब्रांच या सीआईडी से जांच की जाएगी इनकी। बहरहाल मुंब्रा में जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए लोगों को अब दर दर भटकना पड़ेगा क्योंकि डीसी देने से कोई भी डॉक्टर अब डर रहा है, मगर वहीं आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल रहमान घड़ियाली का कहना है कि किसी भी डॉक्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।